अमेरिका साफ कह रहा है कि हम इंडिया के बारे में जो कह रहे हैं कि इंडिया इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, हम वी आर गोइंग टू पुट आवर मनी देयर। हाँ, हिंदुस्तान उनका स्ट्रेटेजिक एलाय है, उस लिहाज से हम हिंदुस्तान के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। उस लॉ में जहां तक कि इंडिया का सवाल है, द गवर्नमेंट इज आस्किंग द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस टू डू सर्टन थिंग्स विथ इंडिया। तो कुछ 11 आइटम्स हैं और मैं आपको वो 11 आइटम्स क्या है बताता हूं। कि चीन हमारा यार है और डीप अपना उससे क्या क्या है अपना समुद्रों से गहरी और हिमालय से बुलंद, हाँ। क्या किया उसने? आज 8वां महीना है, आप वर्ज ऑफ डिफॉल्ट पे खड़े हुए हैं। आप देखिए, आपका मेजर लोन जो है वो 40 बिलियन करीब, तो चाइना क्या क्या उसने रिशेड्यूल किया? 1-3 बिलियन उसने ला के रख दिया भाई आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो, लेकिन आपके 3 बिलियन के ऊपर आपको लोन तो नहीं मिलता, आपको ना बैंक देते हैं ना सॉवरन गारंटी आपकी एस्टेब्लिश होती है। एक तो ये है कि जितना बाइडन ने मांगा उससे $45 बिलियन ज्यादा दे दिया कांग्रेस ने, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। पहला उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ डिफेंस इंटेलिजेंस कलेक्शन कैपेबिलिटीज इंडिया के साथ बढ़ाए, और जो इंटेलिजेंस कोऑपरेशन है अमेरिका और यूएस के बीच में उसको बढ़ाए। सो बेसिकली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज नाउ इट इज अप टू इंडिया एंड द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इन द यूएस, यानी जो ऑस्टिन है सेक्रेटरी और राजनाथ सिंह है, ये बैठ के डिसाइड करें कि ये पैसे कैसा किया। अब्दुल सितार वाज द फॉरेन मिनिस्टर, तो पाकिस्तान को बड़ी एड की जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी, तो पाकिस्तान को कशकोल दे के भेज दिया उन्होंने, लेकिन उसको इनकार कर दिया उन्होंने। अच्छा। कहा नहीं नहीं जाओ, गुम हो जाओ। और उसके बाद पता है कौन गया था? कौन? जनरल महमूद, DGISI। अच्छा। एंड ही मेट जॉर्ज टेनेंट, और जॉर्ज टेनेंट ने महमूद को कहा कि आपका अब जरूरत हमें नहीं है, इसलिए कि अफगान वॉर इज ओवर, अब आप डन 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 ठुनठुना बजाओ, ठीक खत्म, जो जो जाओ जाके झुंझुना लो झुंझुना वाली बात, हाँ। उन्हें वापस कर दिया। और दूसरा ड्रोन्स, ड्रोन्स के लिए बजट दिया है, अनमैन एरियल व्हीकल्स, ये ड्रोन्स के लिए। सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, बिटवीन हाई लेवल से आप एडवांस कैमरास वगैरह लेके डिटेक्ट करते हैं। तो ये क्या है? मांगने के लिए अपने तौर पर कि हमें कुछ पैसे दे दो। IMF से भी हमारा मसला हल नहीं होता, मैं जाता इकोनॉमी अगले सेगमेंट में बात करें। IMF से हमारा असर, हमारा मसला भीख से हल होता है, जिसको एड कहते हैं, AID। दे आर टॉकिंग अबाउट फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट, यानी F-35 इज ऑल्सो ऑन टेबल नाउ अवेलेबल टू इंडिया। दे आर टॉकिंग अबाउट रिसर्च एंड डिवेलपमेंट, फिफ्थ जनरेशन वायरलेस कम्युनिकेशन, डिफेंस ऑफ साइबर कैपेबिलिटीज। मेरे ख्याल से अमेरिका के बजाय उल्टा इंडिया से सीखेंगे अमेरिकन, स्पेशली ऑन इश्यूज ऑफ साइबर सिक्योरिटी, कोल्ड वेदर कैपेबिलिटीज। ये जो युद्ध अभ्यास हुआ दैट इज ऑल्सो अबाउट फाइटिंग एट हाई एल्टीट्यूड्स। IMF प्रोग्राम अगर आपका आ भी जाए तो आपने दुनिया में कोई ऐसा भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है लोन गिविंग जो, जिससे आपने ऑलरेडी कर्जा नहीं दिया हुआ और आपने उसकी लोन उसका देना नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान स्पेशल HD के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, यूक्रेन और रशिया युद्ध के बाद दुनिया की दशा और दिशा एकदम से बदल गई। भारत ने पूरी दुनिया से दबाव न सहते हुए उसने रूस से तेल खरीदना जिस तरह से प्रारंभ रखा, उससे अमेरिका को बहुत ही दुख हुआ। भारत के इस विनिमय से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि भारत अपने दोस्तों को कभी नहीं छोड़ता है। अमेरिका के लिए इस समय रसिया से ज़्यादा चाइना बड़ी मुसीबत बन के बैठा है, और अमेरिका इस बात को भली भांति जानता है कि भारत ही हमें चाइना से मदद कर सकता है, इसलिए अब अमेरिका भी भारत से दोस्ती बढ़ाने के लिए लगा हुआ है। भारत के लिए वो हथियार दे रहा है और वो चाहता है कि भारत का डिफेंस और भी ज़्यादा मजबूत हो सके, जिससे अमेरिका को उससे सहायता मिले चाइना से लड़ाई करने के लिए। यही देख करके पाकिस्तान की जल रही है कि आखिरकार पूरी दुनिया तो उसे अपना दोस्त मानती ही है, भारत को उसको अपना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, लेकिन
अब अमेरिका इतना ज्यादा भारत से क्यों चिपक रहा है, देखते पूरा वीडियो और देखते इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन होने वाला है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा ही वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए, मैं मिलता हूं उस वीडियो के लास्ट में। अमेरिका साफ कह रहा है कि हम इंडिया के बारे में जो कह रहे हैं कि इंडिया इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, हम वी आर गोइंग टू पुट आवर मनी देयर, और देयर इज अनदर एंगल थ्रू व्हिच इंडिया इज गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ सपोर्ट डिफेंस का, जो इंडिया के सेगमेंट के अंदर नहीं है बट क्वाड और इंडो पैसिफिक के सेगमेंट में है। सो देयर आर टू अदर प्लेसेस, एक जगह इंडो पैसिफिक के अंदर कहा गया वी आर गोइंग टू डेवलप लीडरशिप इंटेलिजेंस गैदरिंग, फिर क्वाड के अंदर भी कहा। So basically now there are three pots of money which will come to India. That India ko jo allocate kiya gaya, jo quad ko allocate kiya gaya, jo Indo-Pacific region ko allocate kiya gaya. So in teenon cheezon mein India has an opportunity to benefit from this defense budget. Unfortunately, I could not locate ke exact amounts kitne hain. Us pe main koshish karunga to get the itemized budget. मेरे ख्याल से जब तक प्रेसिडेंट बाइडन इसको रिव्यू करके साइन नहीं कर देते जब तक शायद आइटमाइज बजट में नॉट बी फुली अवेलेबल। इट इज क्वाइट पॉसिबल के बाइडन कहेंगे कि इसमें यूक्रेन के लिए सिर्फ $800 मिलियन है, ही मे नॉट बी हैप्पी विद दैट, कि शायद कहे कि भाई आप इसमें बजट यूक्रेन का बढ़ा दें या कम कर दें, आई डोंट नो हाउ ही इज गोइंग टू गो अबाउट इट, बट दिस इज वेरी क्रिटिकल। मतलब ये बात यूं कह सकते हैं कि इंडिया और अमेरिका की जो डिफेंस रिलेटेड रिलेशनशिप है उसमें अमेरिका ने एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ा दिया। नाउ इट इज अप टू इंडिया टू कोऑपरेट, अगर इंडिया कोऑपरेट नहीं करता इन सारी चीजों पे तो इट विल फेल एंड दैट मनी विल गो बैक। वैसे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस डजंट लाइक टू गिव मनी बैक, तो मुझे लगता है कि अगर दूसरे चीजें ना भी हुए तो इंडिया शुड डिमांड कि भाई ये बजट खत्म होने से पहले हमको कुछ ड्रोन्स तो दे दें एडवांस। एक और एक चीज उसमें कहा गया है फीसिबिलिटी स्टडी वो करवा रहे हैं 2-3, और एक फीसिबिलिटी स्टडी ये कराएंगे कि रशिया पे जो डिपेंडेंस है डिफेंस टेक्नोलॉजी की उससे हाउ टू, मतलब इट इज नॉट दे आर गोइंग टू स्टडी के हाउ टू टेक इंडिया आउट ऑफ द रशिया डिफेंस बॉक्स, कि चीन हमारा यार है और डीप अपना उससे क्या क्या है अपना समुद्रों से गहरी और हिमालिया से बुलंद, हाँ। क्या किया उसने, आज आठवां महीना है, आप वर्ज ऑफ डिफॉल्ट पे खड़े हुए हैं। आप देखिए आपका मेजर लोन जो है वो 40 बिलियन के, तो चाइना के क्या उसने रिशेड्यूल किया, एक 3 बिलियन उसने ला के रख दिया भाई आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो, लेकिन आपके 3 बिलियन के ऊपर आपको लोन तो नहीं मिलता, आपको ना बैंक देते हैं ना सॉवरन गारंटी आपकी एस्टैब्लिश होती है। हर मुल्क का बेसिकली ये होता है सॉवरन गारंटी इंपॉर्टेंट होती है कि ये एक मुल्क है, इस मुल्क की माशी हालत अच्छी है, इसको कर्जा दे दो डूबेगा नहीं, ये जिम्मेदारी कौन लेता है, IMF लेता है कि मेरे पैसे वहां पड़े हैं तुम्हारा